अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज जो है मैंने इंस्टाग्राम पे गेट रेडी विथ मी किया था, आज मैं करूंगी यूट्यूब पे। और जो भी पीछे से आवाज आए उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि नीचे होटल है और यहाँ पे मेरी सब मम्मा वाली हैं, तो वो बातें भी करेंगी। और बस हम गेट रेडी विथ मी स्टार्ट करते हैं और आप अपनी बातें सब कर सकते हैं। आप बस मुझे ऑल राइट, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो हम आजकल दबाइएगा, यस, बेल आइकन को भी दबाइएगा। जो मैं आजकल गेट रेडी विद मी हल्का मेकअप जो कर रही हूँ, बस मैं आज वही दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं ये वाला मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। इसका लिंक मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जैसे अगर आप लोगों ने बाय करना हुआ तो आप लोग कर सकते हैं। सीजन की वजह से ना मेरी ना बहुत एक्टिव एक्ने हो गई है, पता नहीं क्यों। यहाँ पर एक है, सिर्फ अभी तो दो है। और अभी हम लोग सिर्फ फाउंडेशन लगाएंगे, उसके बाद आगे के मैं प्रोडक्ट्स आपको दिखाऊंगी। फाउंडेशन में मैं यूज कर रही हूँ ये मेबलिन का SPF 30 ड्यूई स्मूथ फाउंडेशन, जो कि बहुत मजे का फाउंडेशन है। इसमें मेरा शेड है 110 और मैं आपको दिखाती हूँ। मैं सिर्फ एक पंप लूंगी, पहले मैं एक पंप ही लगाऊंगी क्योंकि इतनी गर्मी है, इससे ज्यादा फाउंडेशन सूट नहीं करता स्किन पे। हल्का सा कॉम्पैक्ट लगाऊं, लेकिन उससे ना बहुत केकी मेकअप हो जाता है। और यहाँ पर मुझे केकी मेकअप अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि हम सारा दिन बाहर होते हैं, मतलब अभी जाएंगे तो रात हो जाएगी, तो कॉम्पैक्ट्स वगैरह जो है ना वो बहुत हेवी हो जाते हैं। अच्छा, और अभी मैं अपना लगाऊंगी BH1 कॉम्पैक्ट, जो कि मैं अभी लेकर आई हूँ और बिल्कुल नया है। दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा इसको खोलने का, लेकिन फिर भी इसको खोलेंगे हम। दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक, बहुत ही मजे की पैकेजिंग है। मेबलिन वाला मेरे पास था, जो कि इतना अच्छा, इतना अफोर्डेबल था, लेकिन वो मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया, तो इस वजह से मैं अपने लिए ये दूसरा लेकर आई हूँ। नाइस नोट। बस मुझे इतना कॉम्पैक्ट लगाना था। पीछे खाला है, खाला जो है वो थोड़ा अपनी हेल्पर पे हल्का सा गुस्सा कर रही है, लेकिन वो है, पता है आपको, जब सब आपस में खुश होते हैं तो फिर गुस्से वगैरह चलते हैं। यार अभी वो जो है ना, हमारी धूप थोड़ी कम हो रही है। फाउंडेशन मैंने लगा दिया, मैंने अपना कॉम्पैक्ट भी लगा दिया और स्किन इज स्किनिंग, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस, मतलब मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इट्स एक्सेप्टेबल। हमेशा स्किन जरूरी नहीं है हमारी अच्छी लगे। तो चलो अभी हम लगाते हैं अपना ब्लश। अच्छा, ब्लश में मैं लगा रही हूँ रेयर ब्यूटी का ब्लश। मैं ये नॉर्मली नहीं लगाती नॉर्मल डेज में, लेकिन यहाँ क्योंकि हमें सारा दिन घूमना पड़ता है, तो मैं कहती मेरा ब्लश हट ना जाए, इस वजह से मैं ये लगाती हूँ। लेकिन इतना दिल मुझे नहीं करता इसको लगाने का इतना, क्योंकि ये इतना पिगमेंटेड ब्लश है, इतना पिगमेंटेड। हम मैं थोड़ा लगाती हूँ ना, ये मेरे पूरे मुंह को लाल कर देता है। ये इसका एक एडवांटेज भी कह सकते हैं और डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। बस पिंपल की वजह से थोड़ा सा मुझे हो रहा है, लेकिन आई डोंट केयर, पिंपल ही है, ठीक हो जाएगा भाई, टैबलेट चाहिए। मैं पिक्चर्स में पता नहीं कैसी लग रही होती हूँ, इतनी काली काली, लेकिन मैं सामने से आपको बताऊं ना, मेरी स्किन ब्राइट और अच्छी लग रही होती है। आई डोंट नो क्या है ये चीज, मुझे भी समझ नहीं आती है, लेकिन इट इज वॉट इट इज। अच्छा, ब्लश मैंने लगा दिया है अपना,
उसके बाद मैं देखती हूँ क्या लगाती हूँ। उसके बाद मैं लगाऊंगी मस्कारा। मैं आपने देखा होगा मैंने बहुत दफा गेट रेडी विथ मी किया है और मैं आज भी कर रही हूँ। आज सिर्फ गेट रेडी विथ मी होगा, कोई ब्लॉग नहीं होगा। ब्लॉग हम नेक्स्ट में बनाएंगे, ठीक है। ब्लश में मस्कारा में लगा रही हूँ एसेंस का। मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर बाय कर सकते हैं। और ये बहुत मजे का मस्कारा है भाई, एक मिनट भी इसका फॉल नहीं होता। सबको इतना अच्छा लगता है, मैंने जिन जिनको रिकमेंड किया है आज तक सबको अच्छा लगता है। कल जो हम चिकनकारी कुर्तियां लेकर आए थे उनको हम एक्सचेंज करवाने जाएंगे क्योंकि साइज का थोड़ा इश्यू हो रहा है। अगर हमें हमारी साइज मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर देखते हैं। चलो ब्लश मेरा मस्कारा मेरा लग गया है, अब बस मैं लगाऊंगी लिपस्टिक एंड देन आई एम गुड टू गो। लिपस्टिक हमेशा मेरे ब्लॉग में मिस हो जाती है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ये दो शेड्स लगा रही हूँ, एक ये ब्राउन और पिंक, इनका मिक्सचर बहुत ही न्यूड शेड बनता है, लेकिन हाँ इट्स गुड। लिपस्टिक मेरी लग गई है, इसमें हम हल्का सा और ब्लश लगाएंगे क्योंकि ब्लश जो है वो मेरा हमेशा खराब हो जाता है, तो ब्लश लगाएंगे। लिपस्टिक मेरी लग गई है और बस फिर कपड़े चेंज करके आराम से बैठेंगे। मैं हल्का सा पाउडर्ड ब्लश लगाऊंगी, ये है मेरे पास नोट का पाउडर्ड ब्लश जो कि है मिनरल ब्लशर 101। मुझे नहीं पता ये अभी इनका आता है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास ये बहुत पुराना है, बहुत साल पुराना। ये मैं कभी कभी रेयरली यूज करती हूँ। मेरा मेकअप हो गया है, बस अब मैं चेंज करूंगी और मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ। आपने देख तो लिया होगा मैं कैसी लग रही हूँ। बस बाकी मेरा मेकअप ये है, मैंने हल्का सा ब्लश लगाया है और पाउडर ब्लश, जैसे मेरा ब्लश हटे ना मेरे मुंह से। बाकी मैंने बाल वगैरह सब बना लिए, इनको मैं खोलती कम हूँ अब, क्योंकि आपको पता है कि मैं थोड़ी राधे श्याम लगती हूँ। इस वजह से सब मुझे अब कहते हैं तुम सही लगती हो, लेकिन नहीं, तो इस वजह से बाल मेरे ठीक है। बस अब मैं चेंज करूंगी और फिर मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। मैं आपको दिखाती हूँ पूरा रेडी होके, फिर मैं ये व्लॉग एंड करूंगी। सो गाइस, दिस इज माय फाइनल लुक। मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ, मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, ज्वेलरी पहनी है, कपड़े पहने हैं, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपने बाय करना हुआ तो आप जाकर बाय कर सकते हैं। जस्ट टू टेल यू वन थिंग, कपड़ों के लिंक्स मेरे पास नहीं है क्योंकि ये बहुत पुराने कपड़े हैं, ये उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं होंगी। लेकिन ये सना सफीनास का ड्रेस है, मेकअप प्रोडक्ट्स हर चीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपने बाय करना हुआ आप जाकर कर सकते हैं। और बहुत ही मुश्किलों से मैंने बाल खोले हैं। अच्छा, मैं बता रही थी कि मैंने बहुत ही मुश्किलों से बाल खोले और आज मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं। आज माशाल्लाह शुक्र है कुछ अच्छे लग रहे हैं। ये सब भी बोल रहे हैं सही लग रहे हैं, मुझे खुद को भी सही लग रहे हैं। कपड़ों के लिंक्स हर चीज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप बाय करना चाहें कर सकते हैं। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। इफ यू गाइज लाइक द व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल कीज लाइफ। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।